नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर निशाना साधा। विज ने कमलनाथ पर शायराना अंदाज में कहा, लिखा कि लाख छुपाओ छुपना सके का राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। विज ने लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी नेता इमरती देवी के बारे में जो अश्लील शब्द बोले, ये वही है जो कांग्रेस की असली सोच है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने बनाया बबीता फोगाट को अपना स्टार प्रचारक, बबीता उपचुनाव में करेगी प्रचार। भाई बबीता बोली, चुनाव में योगेश्वर के साथ खड़ी हूं, जितना दम कुश्ती में लगाया उतना जीत के लिए भी लगाएंगे योगेश्वर दत्त के लिए। बबीता ने कहा, सभी खिलाड़ियों का बनेगी सहारा। धर्मपाल मलिक ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा उपचुनाव कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बीजेपी बना रही है, बड़ौदा के लोग बीजेपी के धोखे में नहीं आएंगे। वहीं धर्मपाल मलिक ने कहा कि बड़ौदा में जीत के लिए सभी दिन रात काम करेंगे। कांग्रेस में मनमुटाव पर बोले धर्मपाल, कहा जो नाराज है उन्हें मनाया जाएगा। कपूर नरवाल पर बोले धर्मलाल मलिक की बीजेपी थोड़े कांग्रेस क्यों ज्वाइन की, यहां नरवाल के खिलाफ नहीं हुआ कोई षड्यंत्र। रमेश कौशिक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस इलाके में विधायक के ना होते हुए भी विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। पिछले 6 साल में प्रदेश में बिना घोटालों के योग्य युवाओं को नौकरी देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जन समस्या सुनी, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से किसानों और देश हित में काम कर रहे हैं उससे कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। किसान कृषि कानून को लेकर खुश। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह के टोकन ना देने पर किसानों के साथ धरने पर बैठने के बयान पर जेपी दलाल ने कहा कि फसलों की खरीद के दौरान कुछ लोग मौसम के हिसाब से किसान हितैषी दिखने के लिए ऐसा करते हैं। जेपी दलाल ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने 10 साल भजन लाल से गाड़ी में तेल डलवाकर स्टीयरिंग हुड्डा को थमाया, उसी तरह अब कांग्रेस हुड्डा से तेल डलवाकर गाड़ी चलाएगी और लास्ट में स्टीयरिंग किसी और को थमा देगी। अभय चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा के लगाए जा रहे आरोपों पर कृषि मंत्री ने कहा कि अभय चौटाला अखबारों में बने रहने के लिए और दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा में कांग्रेस के समय कोई विकास ना करने की बात छिपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 85 लाख की लागत से बनाए जाने वाली 900 मीटर लंबी सर्विस रोड का शिलान्यास किया, कहा कि जल्द ही शहर में पार्क और सीवर को लेकर 325 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। उधर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में 6 साल में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक और उद्योगपति भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कमलेश झांडा ने अग्रवाल वैश्य सभा में स्कूल के परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में क्रिकेट मैच कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाजसेवियों, क्रिकेट प्रेमियों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया। कमलेश झांडा ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए कई योजनाएं चलाई जिससे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नौकरियां और नगद राशि इनाम में दी जा रही है। इस मौके पर राज्य मंत्री ने अपने निजी कोष से अग्रवाल वैश्य सभा संस्था को 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले कमलेश झांडा ने करनाल रोड पर महादेव मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। सोनीपत के पूर्व विधायक देवराज दीवान का देहांत हो गया। देवराज लंबे समय से बीमारी से लड़ रहे थे, उन्होंने सोनीपत के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। देवराज 2 बार विधायक रह चुके हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, 30 स्टार प्रचारक करेंगे बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार। स्टार प्रचारकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला का नाम शामिल। बड़ौदा सीट को लेकर दिलचस्प होगा मुकाबला। वहीं 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी और गीता भुक्कल का नाम भी शामिल है। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों सुबह घर से तेल का कनस्तर लेकर निकलते हैं और जहां भी थोड़ा बहुत धुआं देखते हैं वहां तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं। अनिल विज ने कहा कि किसानों को गुमराह किया गया। विज ने कहा कि आज फसल की खरीद एमएसपी पर हो रही है, किसान खुश है। रेवाड़ी से झज्जर जाने वाले सड़क मार्ग की हालत खस्ताहाल है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और दिन भर यहां उड़ने वाली धूल मिट्टी के कारण दुकानदारों का बैठना तक मुश्किल हो गया है।
कुछ साल पहले ये रास्ता रेवाड़ी से झज्जर रोहतक और कोसली जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता था। इन शहरों में जाने के लिए बाईपास बना दिया गया। अभी भी इस पुराने मार्ग पर करीब एक दर्जन गांव हैं और वहां तक जाने के लिए इसका इस्तेमाल करना लोगों की मजबूरी है। सिरसा में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने पार्क में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले लंबे समय से मानी गई मांगों को अधिकारी धरातल पर लागू नहीं कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से बताया गया कि साल 2007 से लेकर अब तक उन्हें सफाई कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला। तनख्वाह के बजाय उन्हें मानदेय दिया जाता है, वो भी समय पर नहीं मिलता। मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के चलते पिछले काफी समय से बंद पड़े आहत अभी नहीं खुल पा रहे हैं। सरकार की तरफ से बढ़ाई गई फीस के विरोध में आहत संचालकों ने फैसला लिया है कि जब तक फीस माफ नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। उधर सरकार की तरफ से आहतों पर एक्साइज ड्यूटी करीब 3.5% बढ़ा दी गई है, यानी कि जहां 10 लाख रुपए फीस जमा करनी होती थी अब करीब 60 लाख रुपए फीस देनी होगी। एक बार फिर कालावली में धान का खेल शुरू हो गया है। कालावली के एसडीएम को गुप्त सूचना मिली कि कालावली के ओडा रोड पर धान से भरा ट्रक यूपी या बिहार से आया है। एसडीएम ने ट्रक को पुलिस के हवाले किया। धान लेकर पहुंचे ट्रक संचालक का कहना है कि उसने पंजाब में जाना था और हरदोई से आया है, जहां बिना साफ किए धान भरा जा रहा है। एक शैलर के पास से 20 से 25 गाड़ियां चावल। कैथल में जिला उपायुक्त ने पराली जलाने पर किसानों को चेतावनी दी कि पराली जलाने पर कार्रवाई होगी। अभी तक 17 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 2,15,000 रुपए वसूले गए। जिला उपायुक्त ने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जमीनों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सभी को सामाजिक रूप से आगे आना होगा कहा, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 13वें दिन भी जारी रहा। पंजाब किसान संगठनों के सांझे मोर्चा के महासचिव और किसान संघर्ष समिति के केंद्रीय नेता कुलवंत सिंह संधू पंजाब के किसानों के साथ समर्थन देने पहुंचे। कुलवंत सिंह ने कहा कि किसानों के हकों की लड़ाई पंजाब हरियाणा मिलकर लड़ेंगे। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में लाखों लोग शामिल होंगे और सरकार को किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। कोरोना के चलते अम्बाला में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो गया। इससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। पहले अम्बाला में हरियाणा और पंजाब की बसें का संचालन रुका हुआ था। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम ट्रायल 112 इस साल 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 मिनट पर आपातकालीन पुलिस और अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गई हैं। इसके लिए करीब 4,700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा, जो नागरिकों को समय रहते प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा में करीब 54 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान कॉलोनियों वासियों ने मूलचंद शर्मा का धन्यवाद दिया। पानीपत में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर मंथन किया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में व्यापारिक समस्याएं गंभीर रूप धारण कर चुकी। गुरुग्राम में वैश्य परिवार वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महाराज अग्रसेन जयंती और दीपावली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में समाज के लिए बेहतर काम करने वाले को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने शिरकत की और लोगों को महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। रेवाड़ी में पंजाबी समाज ने एक विशाल पंजाबी भवन का निर्माण करवाया, जिसके बाद स्वामी धर्मदेव ने एक वैवाहिक ऐप लॉन्च कर यहां की पंजाबी समाज को नायाब तोहफा दिया। वैवाहिक ऐप बनाने का उद्देश्य समाज के बेटे बेटियों का निःशुल्क रिश्ता करवाकर उन्हें शादी के बंधन में बांधने का है। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए बच्चों के लिए योग्य वर वधु का। धोखे शिकरावा गांव की गलियों से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले आरसीबी टीम के हरपन मौला खिलाड़ी अहमद सुर्खियां बटोर रहे। पानीपत में खेलों के आयोजन की शुरुआत हो गई है। जिले में महिला ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। पलवल के होटल में पत्रकार मुकेश सैनी के निधन को लेकर गोविंदम पैलेस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति से जुड़े लोगों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
पलवल के वार्ड नंबर 5 में गंदे पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने के चलते नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का घरों से निकलना तो दूर, घरों में रहना भी दुर्भर हो गया है। पानीपत में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और धारदार हथियार। 1700 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद, पंचायती समझौते के बाद भी नहीं सुलझा विवाद। कुरुक्षेत्र के बस क्यू शेल्टर में युवक की लाश मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया, फिलहाल शव की नहीं हो पाई पहचान। पुलिस ने जताई ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत की आशंका। रोहतक की झाड़ियों में मिला महिला का शव, शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस को महिला की हत्या की आशंका। शव पर मिले चोट के निशान अभी तक नहीं हुई शव की पहचान, स्थानीय पुलिस और FSL की टीम जांच में जुटी। नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर ने 7 करोड़ रुपए की लागत से करनाल अंबाला रेलवे ट्रैक पर तराबड़ी रेलवे पुल के पास बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया। अंडरपास बनने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। करनाल में हथियार के बल पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 आरोपी पुलिस के हाथे चढ़े, पकड़े गए। आरोपी पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर दिखाकर कर्मचारियों से मारपीट कर 5000 रुपए छीनकर फरार हो गए थे। फरीदाबाद में अपराध पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह की नई पहल, थाना प्रभारियों को अपने अपने इलाके में 5 किलोमीटर पैदल गश्त करनी होगी, पैदल चलते हुए लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। थाना प्रभारियों को मोबाइल में वॉकिंग ऐप डाउनलोड करने होंगे, ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर रोजाना पुलिस आयुक्त को भेजना होगा। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इससे न सिर्फ अपराध में कमी होगी बल्कि पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहेंगे। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से 25 लोग बीमार हो गए, कई लोगों का इलाज कल्पना चावला हॉस्पिटल में चल रहा है और कई निजी हॉस्पिटल में भर्ती है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों को पेट दर्द हुआ और तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि व्रत रखने वाले सभी लोग अच्छी क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करें, कई बार आटा पुराना होता है, हो सकता है ऐसी समस्या पुराना आटा खाने से हुई हो। रादौर के गांव बुबका में कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, परिजनों ने उन्हें रादौर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां पर उनका इलाज चल रहा है, फिलहाल सभी की हालत में सुधार है। परिजनों ने बताया कि उनके परिवार के लोग नवरात्र पर व्रत रखते हैं, इसी के चलते उन्होंने कुट्टू के आटे से बनी रोटी का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल लेकर गए। पानीपत में स्वांग का आटा खाने से 2 परिवारों के 7 सदस्य बीमार पड़ गए, आनन फानन में बीमारों को अस्पताल में ले जाया गया, डॉक्टर के मुताबिक सभी की हालत अभी स्थिर है। परिवार के महादेव कॉलोनी का रहने वाला है जिसके 4 सदस्य हैं, परिवार के सदस्य की खुद की किराना की दुकान है, सब्जी मंडी से वो व्रत का आटा लाया था जिसे खाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे बेहोश हो गए थे। दूसरा परिवार बाबरपुर का बताया जा रहा है, वहां भी परिवार के 3 सदस्य कुट्टू के आटे से बना हुआ खाना खाने से बीमार हो गए। मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग ने छेड़ा अभियान, कई जगहों पर मिठाइयों की दुकान पर सीएम फ्लाइंग ने की रेड, कई दुकानों से लिए गए सैंपल, एक दुकानदार के खिलाफ FIR दर्ज। सीएम फ्लाइंग टीम के इंस्पेक्टर ने बताया कि मिठाई की दुकान में मिल्क पाउडर से रसगुल्ले और पनीर बनाया जा रहा था, जिसे टीम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया। आर्थिक संकट के चलते फरीदाबाद में एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने अलग अलग इलाकों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, पीड़ित परिवारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक संकट के चलते यह कदम उठाया। राहुल कॉलोनी में रहने वाले अशोक के परिजनों की माने तो लॉकडाउन के पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसकी नौकरी चली गई तो घर में आए दिन झगड़े होने लगे, जिससे परेशान होकर उसने मौत को गले लगा लिया। दूसरा मामला गांव चांदपुर का है जहां आजाद के परिजनों का कहना है कि आर्थिक संकट के चलते उसे घर का खर्च चलाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसी के चलते उसने आत्महत्या की। पंचकुला में ढाबे पर किसी बात को लेकर खाना खाने आए व्यक्ति और ढाबे के कर्मचारी में विवाद हो गया, विवाद इतना बढ़ गया कि खाने खाने आए व्यक्ति ने कर्मचारी पर गर्मा गर्म दाल पलट दी। चौकी प्रभारी ने बताया कि उन्हें लिखित शिकायत मिली है कि खाना खाने आए व्यक्ति ने ढाबे के करिंदे पर गर्मा गर्म दाल पलटी है, उन्होंने कहा मामले में जांच की जा रही है, जांच के बाद बनती कार्रवाई मामले में की जाएगी। करनाल के आनंद विहार में एक घर में 2 लोगों का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस के मुताबिक दोनों मृतक आपस में मामा भांजे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों मामा भांजे साथ में बैठकर शराब पी रहे थे, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक के गांव खरावड़ के पास IMT फेज 3 में महिला का शव मिला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और हत्या किए जाने की आशंका जताई। जाखल नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि आत्महत्या मामले में परिजनों ने पुलिस के आश्वासन पर मृतक का अंतिम संस्कार किया, पुलिस अधिकारियों ने जल्द आरोपी को काबू किए जाने की बात कही।
अविश्वास मत पर वोटिंग होने से पहले चयन प्रतिनिधि ने नगर पालिका कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में पार्षदों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। पलवल के ओडल में पांडुवन मंदिर के पास 40 साल के व्यक्ति का जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हथियारों ने व्यक्ति की हत्या कर शव को आग के हवाले कर दिया। आग में जलता देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को आग से निकाला। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई। पलवल के एक पिता पर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति उसकी बेटी के साथ 3-4 साल से दुष्कर्म कर रहा है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र 16 साल है और वो 9वीं क्लास में पढ़ती है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने के चलते घर में अकेली रहती है और उसका पिता उसके साथ अश्लील हरकतें करता रहता है, जिसे देखकर उसने इस बात में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उधर करनाल के सामली गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में चाचा और भतीजे की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों चाचा भतीजा बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार एक गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुट गई। हांसी के सिसाए गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में बाप बेटी की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सवार परिवार चौराहे को पार कर रहा था, इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रहे कैंटर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कैंटर चालक गाड़ी सहित मौके से भाग गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर कैंटर का टायर फट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। हिसार के बरवाला के अग्रोहा रोड पर कपास के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। देश में शारदीय नवरात्र की धूम, दूसरे दिन की गई थी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव होते हैं कम। पलवल में नवरात्र के दूसरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। नवरात्रों को लेकर मंदिर के पास ही माता की सीढ़ी, चुनरी, नारियल, बताशे, फल फूल के अलावा व्रत में उपयोग किए जाने वाले सामान की व्यवस्था की गई। एलनाबाद में शारदीय नवरात्र की धूम देखने को मिली। रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पूरे मंदिर प्रांगण को सैनिटाइज करवाया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बाहर ही सैनिटाइजर रखा गया है। साथ ही मंदिर में बिना मास्क के आने वालों का प्रवेश पर रोक लगाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नवनियुक्त महासचिवों और इंचार्जों को संबोधित करते हुए लिखे पत्र के बहाने केंद्र सरकार पर हमला किया। कहा कि आज देश का प्रजातंत्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी ने लिखा कि कोरोना को हराने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ने देश को अपने हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जवाबदेही से मुंह मोड़ लिया। महामारी से लड़ने को लेकर ना इनके पास नीति है और ना ही सूझ। सोनिया गांधी ने सभी महासचिवों, प्रभारियों और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को नए दायित्वों की शुभकामना दी। कहा कि देश के लिए लगातार संघर्ष करना ही कांग्रेस संगठन का ध्येय रहा है। हरियाणा में 24 घंटे में 952 नए कोरोना के केस 1,50,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद से स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लोगों से अपील की कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती, इस बीमारी को लेकर कोई लापरवाही ना बरते। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और हमें समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहना चाहिए और 2 गज की दूरी भी बनाकर रखनी चाहिए। भिवानी में कोरोना का कहर, कोरोना से महिला की मौत हुई। महिला विद्यानगर की निवासी थी। पंचकुला में 28 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई, अब रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हो गया है। नूह में 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए, 4 मरीज रिकवर हुए। जिले में अब तक कोरोना से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 53 एक्टिव केस है, 1,207 केस मिल चुके हैं, 1,129 मरीज ठीक हो चुके हैं।